सेव करने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पहले मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लगा कर रखे हुए हैं, 39 का एक कॉन्ट्रैक्ट लगाए हुए हैं। और यहाँ दोस्तों आज शाम 7:30 बजे बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है, मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। इसमें अब ड्रीम इलेवन पे टीम कैसे बनाना है, किस प्रकार से सिलेक्शन करना है टीम का, कि आप एक नंबर पॉइंट पे जा सकते हैं, नंबर वन पॉइंट पे जा सकते हैं, आज इसी के विषय में हम बताने वाले हैं। तो बता दे गाइस कि ये दोनों जो खिलाड़ी है, जैसे चेन्नई सुपर किंग का हो गया और मुंबई इंडियंस का हो गया, दोनों में खिलाड़ी मतलब नंबर वन वन रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ही धांसु प्लेयर रहता है और ये मैच बहुत धांसु होता है जब मुंबई इंडियंस का और चेन्नई सुपर किंग का आता है। तो इसमें दर्शक देखने के लिए बहुत ही उत्साह रहते हैं और इसको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस का खिलाड़ी और उधर कैप्टन जो है रोहित शर्मा है और इधर कैप्टन MS धोनी सर है, लेकिन अभी तो फिलहाल धोनी सर नहीं, जडेजा सर को बनाया गया इस मैच में कैप्टन। तो गाइस जैसे कि इसमें हम बता दें कि जैसे इसमें टीम का चयन करना रहता है ड्रीम इलेवन लगाने के लिए, कि इसमें बहुत से लोग होते हैं कि जो नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये मैच बहुत ही तगड़ा से होता है, जो यहाँ आपको सामने बार वाले आइकन में देखने को मिल रहा होगा। देखिए इधर चेन्नई सुपर किंग, अभी फिलहाल जो मैच इधर होने वाला है, देखिए 1:36 में दिखा रहा है राजस्थान रॉयल वर्सेज दिल्ली का होने वाला है, और इधर दिखा रहा होगा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई का दिखा रहा होगा, इधर मुंबई का दिखा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये वाले बार वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद इसमें टीम कौन कौन सा लगाना है, कौन कौन सा खिलाड़ी को चूज करना है। अब मान लीजिए इसमें से आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें से जो भी लगाना है, जैसे इसका फर्स्ट प्राइज़ हो गया, इसका फर्स्ट प्राइज़ 1 करोड़ है, इसका फर्स्ट प्राइज़ 10 लाख्स है, यहाँ से मतलब जो भी आपका जो भी सिलेक्शन करना होगा वो कर लीजिएगा। अदरवाइज दिखाते हैं गाइज यहाँ से कैसे करना है और कैसे किस प्रकार से टीम को ऐड करना है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने टीम का सिलेक्शन किया है, इसमें से हम बताते हैं, जैसे यहाँ देखिए क्रिएट टीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, माई टीम वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ से माई टीम वाले ऑप्शन में जाना है, माई टीम्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से क्रिएट टीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट लगाया हुआ है, एक और लगा के दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ से देख लीजिए। अब विकेट कीपर में आपको चूज करना पड़ेगा, आपके पास 100 पॉइंट दिया जाएगा, उसी में से आपको पूरे खिलाड़ी को मतलब चूज करना है, जो भी मतलब खिलाड़ी 11 प्लेयर रहता है उनमें उनको चूज करना है। जैसे हम यहाँ पर रख लेते हैं ईशान किशन सर को, यहाँ से ईशान किशन सर को ले लेते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ से डिकॉक कर ले लेते हैं, अब आप सोच रहे होंगे गाइस कि आपने MS धोनी सर को क्यों नहीं लिया, क्योंकि MS धोनी सर आते हैं मतलब कि 7 नंबर पे आते हैं, कभी 6 नंबर पे आते हैं खेलने, क्योंकि वो मैच जिस प्रकार से मैच अगर फंसता है तभी वो आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे धोनी सर को चूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बैट्समैन में आते हैं, बैट्समैन में बता दें गाइस कि हम सबसे पहले चयन करेंगे ऋतुराज गायकवाड, क्योंकि मैं इनको छोड़ नहीं सकता, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसके बाद रोहित शर्मा, और उसके बाद नीचे आ जाते हैं अंबाती रायडू सर का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे हम उसके बाद बैट्समैन को 3 रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाते हैं हम, इधर ऑलराउंडर में आते हैं रविंद्र जडेजा सर को, बेन स्टॉक को, मोइन अली को तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि पिछला मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, और उसके बाद यहाँ से हम ले लिए, उसके बाद नीचे देख लेते स्क्रॉल डाउन करके, मैं अपना टीम शेयर कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ से मेरा टीम लगाते हैं तो आप जीत सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी। और गाइस बता दें कि ये गेम मतलब अपने खुद की जिम्मेवारी पे खेलनी चाहिए, आपको जो टीम अच्छा लगता है वहाँ से आप चयन कर लीजिए, यहाँ से जोफ्रा आंचल को लेते हैं, दीपक चहर को लेते हैं, और एक प्लेयर बच गया मेरे पास, 12.5 बचा हुआ है, वहाँ से एक बॉलर को और ले लेते हैं, पीयूष चौला का ले लेते हैं। अब यहाँ से प्रीव्यू कर देते हैं, देख लीजिए, उसके बाद हमको यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, तो इसमें हम दो ही को बनाएंगे, वो आपको दिखाते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज दिखाया जाता है कि कौन से खिलाड़ी को कितना प्रतिशत कैप्टन बनाया गया और किसको वाइस कैप्टन कितना बनाया गया है, तो
तो देख सकते हैं यहाँ सबसे मतलब यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ऋतुराज गायकवाड को 32% बनाया गया है, और यहाँ पर देखिए 17%, 8%, यहाँ देखिए 5%, 5.32%, 3.2% दिया हुआ है। मतलब वाइस कैप्टन कितना को बनाया गया और कैप्टन कितना को बनाया गया वो सब भी यहाँ दर्शाया रहता है। अब यहाँ से हम बना देते हैं कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ सर को, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा अगर मतलब आपको मैच में कुछ यूनिक मतलब जो जो प्लेयर चलता है उसके हिसाब से रहता है कि आप जो ज़्यादा बनाता है मतलब जिसको जिसको जो प्लेयर अच्छा लगता है उसको वो कैप्टन बनाता है। यहाँ पे हम ऋतुराज गायकवाड़ सर को बनाते हैं, उसके बाद दूसरा प्लेयर को हम बनाते हैं सूर्य कुमार यादव को हम वाइस कैप्टन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मोइन अली को वाइस कैप्टन बनाया गया है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज देखिए तो हम उसको छोड़ देते हैं, सूर्य कुमार यादव को छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम मोइन अली को बनाते हैं, मोइन अली को वाइस कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 22% इनका चांसेस दिखा रहा है। मतलब 22% आदमी इनका ये बनाए हुए वाइस कैप्टन बनाए हुए, 17% कैप्टन बनाए हुए हैं। और यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पहले मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लगा कर रखे हुए हैं, 39 का एक कॉन्ट्रैक्ट लगाए हुए हैं, और यहाँ मेरा टीम है, पहले वाला टीम है। इसमें देख सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ सर है, और यहाँ पे मोइन अली सर है, और मेरा पहला भी है। पहला में भी आपको सेम ही मिलेगा, ऋतुराज गायकवाड़ सर और यहाँ पे मोइन अली सर, दोनों को ही मैंने दोनों ये पहले ही मैं बनाया था, उसमें पहले बारी में ही मैं चयन किया था इनका। अगर गाइस बता दें कि आपको ये सजेशन अच्छा लगा होगा